ये पहली प्राइम ओपन किया मैंने और यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है, कंपनी का नाम सूरज तिवारी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि इसमें पता करना है कि क्या क्या एंट्री इस बार हुई है, तो यहाँ बेबुक में जाकर के एंट्री हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें एंट्री पास की गई है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक की डिटेल लेनी है तो कहाँ जाएंगे, स्टॉक कंपनी में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देखिए यहाँ पे एस हाईलाइट है ना, देखो ये एस हाईलाइट है ना, एस हाईलाइट है ना, खाली एस प्रेस करना है तो यहाँ पे स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी, क्या आपके पास है, कितना बचा हुआ है, ठीक है। ये देखो मई में ये डिटेल है, ये मई की डिटेल है, यहाँ पे परचेज क्या है, सेल्स क्या है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी थी 50 किलो, 45 किलो क्या हुआ है, सेल हुआ है, ठीक है, ये परचेज है, एक सेल है। तो ये देखो ये जो क्रेडिटर पार्टी है वो हमेशा परचेज वाउचर पे इसका नाम आता है क्रेडिटर पार्टी का, और डेटर पार्टी का नाम किसमें आता है, सेल्स वाउचर। तो यहाँ पर आकर के एंटर प्रेस करोगी तो एंट्री दिखाई पड़ेगी, कौन से वाउचर का डिटेल है, कौन से वाउचर का डिटेल है, सेल का। तो हम परचेज करेंगे तब तो सेल करेंगे, तो परचेज करेंगे उसके बाद हम सेल करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें प्रॉफिट देखना है तो F7 की प्रेस करके यहाँ से प्रॉफिट देख सकते हैं या यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज बता है, देखो ये परसेंटेज कितना है, 33.33%, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लोजिंग वैल्यू है 5 किलो। अब ये क्लोजिंग वैल्यू का क्या मतलब है, कितना हमारे पास था, ये देखो कितना परचेज किया था हमने, 50 किलो, ठीक है, 45 किलो बेच दिया, कितना बचा, 5 किलो, तो वही क्लोजिंग वैल्यू 5 किलो दिखा रहा है, इसी को क्लोजिंग वैल्यू बोलते हैं, है ना, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी ये सेल्स वाली एंट्री जो पास की गई थी वो तो दिखी जाएगी आपको जब एंटर प्रेस करेंगे तो, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरीके से किसी और मंथ का डिटेल देखना हो तो हम देख सकते हैं, अगर एंट्री पास हुई है तो वो भी दिखेगी। अब यहाँ पर ये वायरलेस कीबोर्ड है तो इसका भी पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड दिख रहा है, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, इनवर्ड मैंने कितना था और आउटवर्ड मैंने कितना चला गया, कितना बेच दिया गया, इनवर्ड मैंने कितना हमने किया है, आउटवर्ड मैंने कितना हमने बेच दिया, बाकी क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कितना बचा उसके बाद, ठीक है। तो मान लो 66 था, 5 हमने क्या किया, बेच दिया, तो 66 में से 5 निकालेंगे तो 61 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पे 61 दिख रहा है, नंबर कितना दिख रहा है, 61 दिख रहा है ना, तो यही होता है क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग वो होता है जहां जितना आप लेके आते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब मान तो अभी तो ये बात समझ में आ गया कि इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, कैसे देखेंगे कि आपके पास कितना सामान मौजूद है, कितना सामान नहीं, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। आपको वहां पे एंट्री यही करनी है जो पुरानी एंट्री थी, पहले रिसीव वाउचर में एंट्री पास करनी है, फिर आगे आपको परचेज वाउचर में करना है, फिर परचेज वाउचर में पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, तब हम सेल्स वाउचर में चलेंगे, ओके, ठीक है।